गोभी पकाते समय की गई एक गलती आपको गोभी के नुकसान करा देती है और लोगों को कब्जी, गैस, एसिडिटी होती है। और ये देखिए, ये जो गोभी है, हम लोग फूल गोभी बहुत अच्छे से खाते हैं, कोई इसके पकोड़े खाते हैं, कोई पराठे बना के खाते हैं या सब्जी बना के खाते हैं, कई लोग स्टीम करके उबाल के भी खाते हैं। गोभी जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोगों को गैस बनती है, वो गैस क्यों बनती है ये मैं बताऊंगा। और इसका सही तरीका खाने का क्या है, कैसे हम इसको सब्जी में क्या तरीका इस्तेमाल करें जिससे हमें ये फ़ायदा करेगा, वो मैं बताऊंगा। आमतौर पे घरों में हम लोग बनाते हैं, तेल डाल देते हैं, फिर उसमें जो मसाले हमें डालने हैं वो डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग आगे प्रोसेस को पूरा देखेंगे। ये गलत बनाने का तरीका है, और इसके साथ साथ सही तरीका क्या है हम ये भी बताएंगे। यहाँ देखिए, ये गोभी की सब्जी हम बना रहे हैं। अब होता क्या है कि गोभी में कैल्शियम है, फास्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट है, कई सारे ऐसे तत्व हैं, और सबसे बढ़िया इसमें फाइबर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है, गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हमारे पेट को साफ़ करता है और ऐसे तमाम फ़ायदे करता है जो हमें ज़रूरी है शरीर के लिए। आमतौर पर न्यूट्रिशन डाइटिशियन वगैरह भी गोभी खाने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका जो आहार विशेषज्ञ, वो बताते हैं कि आपकी जो थाली में ना कई सारे कलर होने चाहिए, जितने कलर होंगे जैसे गाजर हो गया, तमाम कलरफुल सब्जी होनी चाहिए। अगर आपके प्लेट में कलरफुल है तो आपको न्यूट्रिशन और पोषण ज़्यादा मिलेगा, आपको ताकत अच्छी मिलेगी। तो लेकिन उसी तरीके से लोग गोभी खाते हैं। अब गोभी खाने से क्या होता है, कई बार गैस बन जाती है। अब इससे गैस क्यों बनती है कि ये जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, इनका जो फाइबर होता है वही इसकी गैस बनाने का मुख्य कारण होता है। होता क्या है कि इसमें सेलुलोज नाम का एक तत्व होता है इसके सेल लेवल पे, जिसको पचाने के लिए सेलुलस चाहिए। अब वो सेलुलस हमारे शरीर में नहीं होता तो ये इजीली डाइजेस्ट नहीं करता है। अब कई लोग तो क्या करते हैं, इस तरीके से सब्जी बनाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उबाल के या स्टीम करके इस गोभी को खाते हैं। तो मैं उन लोग को बता दूं कि आप उबाल के या इस तरीके से सब्जी बनाने के लिए खा सकते हैं, लेकिन क्या एक नुकसान है, जैसे जब आप उबालते हो तो इसके एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी लेवल में कम हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, ये मुलायम हो जाती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। दूसरा, लोग इस तरीके से सब्जी बनाते हैं। अब कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले से हो, तो उनको तो ज़्यादा गैस बन जाएगी, लेकिन जिनको ये दिक्कत नहीं है तो उनको उतनी गैस नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि जब भी गोभी की सब्जी बनानी है तो आप ताज़ा गोभी लें, जिसमें क्या होगा 30% ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। आपने क्या करना है कि फ्रेश एकदम गोभी लेना है, इस तरीके का एकदम फ्रेश गोभी लें, इसमें क्या है 30% न्यूट्रिशन ज़्यादा है। आप पुराना गोभी ना लें, और कच्ची खाने से तो बिल्कुल बचे, कच्ची नहीं खानी है। और अगर आप उबाल के खाते हो, अगर आप स्टीम लेके इस तरीके से उबाल के स्टीम लेके खाते हो, तो भी आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है, और फ्राई कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा, कौन सी वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है इसमें मैं वो भी बताऊँगा। तो गोभी जो है, मैग्नीशियम अच्छा है, फास्फोरस अच्छा है, सारा अच्छा है, लेकिन अब इसका सही तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, गैस जलानी है और उसमें तेरा तेल डालना है या जो भी आप इस्तेमाल करते हो, और उसमें डालनी है थोड़ी सी हींग, जितनी भी आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने लहसुन डालने हैं, लहसुन छील के आपने डालना है अच्छे से, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके। और ये जो लहसुन है, उस जब आप अच्छे से इसमें हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तब आपने क्या करना है कि अगर आप पहले से गोभी बना के रखे हो तो वो वाली सब्जी को आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये जो सब्जी हमने गोभी की बनाई, वो हमने इसमें लहसुन वाले में डाल दिया है। तो अब ये लहसुन और हींग डालने से क्या होगा कि ये जो सब्जी बन रही है आपकी, ये आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी, गैस वगैरह नहीं बनाएगी। या कई लोग क्या कर सकते हैं, जो भी महिलाएं या पुरुष जो भी सब्जी बना रहा है, ये जो हमने बाद में डाला है, आप चाहो तो पहले जो मसाला बना रहे हैं उसमें भी लहसुन और हींग डाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से गोभी को बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आप अगर स्टीम या उबाल के भी गोभी खाते हो तो उसको भी आप इस तरीके से खा सकते हो, बस कच्ची या सलाद के रूप में, टॉपिंग के खाने के रूप में आपको बचना चाहिए। तो आपको गोभी के फ़ायदे फ़ायदे होंगे, आपको नुकसान कोई भी नहीं होगा। धन्यवाद।